हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद कैनी है, अहमदाबाद गुजरात से। बेसिकली मैं एक ट्रेनर हूँ जो LCD LED की ट्रेनिंग देता हूँ। मेरी ट्रेनिंग दो टाइप की है, एक 2 डेज ट्रेनिंग सेमिनार टाइप रहती है जो कि ईच एंड एवरी स्टेट्स में मैं दे रहा हूँ, और ज़्यादातर मैं अहमदाबाद में ट्रेनिंग देता हूँ। और दूसरी ट्रेनिंग है 5 डेज ट्रेनिंग जो मैं अपने वर्कशॉप पर दिया करता हूँ। दोनों की ट्रेनिंग का जो रेट है वो एक 5,000 रुपये 2 दिन की ट्रेनिंग का और 12,000 रुपये 5 दिन की ट्रेनिंग का। आज मैं आपके सामने जो वीडियो रखने जा रहा हूँ वो मेरे ट्रेनिंग के दौरान ही सिखाते हुए मैंने एक वीडियो निकाला है। होप करता हूँ कि आपको ज़रूर ये पसंद आएगा। शुरू करते हैं। आपको दिक्कत बहुत होती होगी जब भी पोलराइजर के फॉल्ट में आपके पास टीवी आता होगा, क्योंकि आप जब पन्नी डालते हो, सिर्फ पन्नी ऊपर की वर्टिकल पोलराइजर डालने जाते हो, तो बबल्स जरूर आते होंगे आपके जब भी आप पन्नी डालते हो। बहुत ही सावधानी से करने के बाद भी कोई ना कोई बबल्स तो रह ही जाते हैं जब पन्नी सिर्फ डालते हैं। आज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसमें आप कोई भी टीवी की फिजिकल ओके पैनल निकाल सकते हैं जो फिजिकली ओके हो, मतलब क्रैक ना हो कहीं से भी, और उसमें पिक्चर भले ना आता हो लेकिन आपको वो फिजिकली ओके पैनल होनी चाहिए। उसकी आप पन्नी के साथ का ग्लास निकाल सकते हो। किस तरह से निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ इस तरह से आपको ब्लेड इंसर्ट करनी है। जहाँ पे भी आपको लगे कि ये रुक रहा है तो आपको गन का इस्तेमाल करना है। गन कुछ इस तरह से करेंगे कि ऊपर की पन्नी ना जल जाए, और जहाँ पे आपको लगे कि ज़रूरत है ये गन यूज़ करने की, वहाँ पर आप ये गन यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपको अवरोध महसूस हो रहा हो, जहाँ पे आपकी ब्लेड अटक रही है, वहाँ पे ये गन का यूज़ करेंगे। और इस तरह से होते हुए आप पूरे चारों कोने में आपकी ब्लेड ले जाएंगे। ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस पैनल, ये सारे के सारे कॉर्नर में जाना चाहिए ये ब्लेड। इसका मतलब ये है कि अंदर से जो चिपकाया हुआ पोर्शन है, जो फ्रंट ग्लास का TFT बोर्ड के ऊपर का जो ग्लास है, जो फ्रंट ग्लास होता है जिसपे जो बाहर की पन्नी लगी हुई होती है, वो पन्नी आपको निकालनी होती है ओके टीवी में आपको पन्नी डालने के लिए। पन्नी का मतलब ये पोलराइजर सीट होती है जो पैनल के ग्लास के साथ लगी हुई है। कुछ इस तरह से आप ब्लेड को सभी दिशा में ले जाते हुए अब आपने ये पैनल को फ्री कर लिया है TFT बोर्ड के ऊपर से। अब खाली आपको क्या करना है, इसको सावधानी से ऊंचा करना है। अब देख सकते हैं अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं क्योंकि मैंने उसमें गैप दे दिया है। इस तरह से आप पैनल आराम से सावधानी के साथ उठा लेंगे। और ये पैनल को आप ऐसे आपका पोलराइजर सीट यूज कर सकते हैं। ये अखर ग्लास है, जो ग्लास के नीचे का हिस्सा है इसको आपको जरूर ब्लेड से घिसना पड़ेगा क्योंकि इस पे ब्लैक मैट्रिक्स प्रिंटेड है। ब्लैक मैट्रिक्स का मतलब होता है जो कलर फिल्टर्स होते हैं उसके चारों कोने ब्लैक मैट्रिक्स से कवर्ड होते हैं ताकि एक कलर दूसरे कलर के साथ लीक ना हो। ये ब्लैक मैट्रिक्स को आपको घिसना होगा पूरी स्क्रीन एरिया में, और इस सीट को आप ऐसे न्यू पोलराइजर ग्लास सीट यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो टीवी जिसमें पोलराइजर सीट खराब हुई है, ओल्ड पोलराइजर सीट निकालने के बाद आप इसे रख दो उसके ऊपर, और आपका टीवी डबल सेफ्टी के साथ, आपका जब भी टीवी में कोई भी स्क्रीन डैमेज हुआ तो यही डैमेज होगा, और वो जो सेफ्टी ग्लास का भी काम करेगा और पोलराइजर सीट का भी काम करेगा। थैंक यू।
दोस्तों अगर जो मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले वीडियो जब भी मेरे आएंगे मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा। थैंक यू। और मेरी आने वाली जो ट्रेनिंग है अगर जो आप उसका मज़ा लेना चाहते हैं तो वो है 15 और 16 तारीख इस महीने की, मतलब अप्रैल की 15 और 16 तारीख को अहमदाबाद में होटल 7 में है और मेरा टेलीफोन नंबर है 9825842502। आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है विनोद कैनी अहमदाबाद से। थैंक यू।